हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आज हम पार्ट तीन पढ़ेंगे। पार्ट तीन का नाम क्या है हमारे? नए राजा का चुनाव। क्या है पार्ट का नाम? नए राजा का चुनाव। क्या आप जानते हैं प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है? योग्य राजा वही होता है जो निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। प्रस्तुत कहानी में एक राजा राज्य के उत्तराधिकारी हेतु अपने पुत्रों को अयोग्य पाता है। एक दिन वह राज्य के अन्य नवयुवकों को बुलाता है और उनके धैर्य व ईमानदारी की परीक्षा लेता है। राजा बड़ी ही अकलमंदी एवं सच्चे और साहसी उत्तराधिकारी को चुनता है। चलिए पहले हम पाठ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, सो स्टार्ट करें। बहुत पुरानी बात है, पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो गया चला था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुख रखेगा। मतलब बहुत पुरानी बात है, पूर्व में एक देश का राजा था, वो बहुत बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन उसे अपनी प्रजा की बहुत चिंता थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी प्रजा को कौन सुखी रखेगा। उसने अपने बच्चों में किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे बच्चे उस लायक है ही नहीं है, तो मैं उन बच्चों को क्यों बनाऊँ, क्योंकि वह लोग योग्य नहीं थे। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज दे रहा हूँ, तुम सब घर जाकर एक बर्तन में उस बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना। एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद मेरे पास आना, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुनूंगा। घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी में डालकर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता कि बीज में से तो अंकुर निकला या नहीं। दूसरे किशोर आपस में बातें, अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन है, राजा को किस बात की चिंता थी? राजा को अपनी प्रजा के सुख रहने की चिंता थी। दूसरा क्वेश्चन है, राजा को अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाकर क्या दिया? उसने एक बीज दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मतलब आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पेड़ दिखाई देने लगा, किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा, मतलब पेड़ नहीं होगा। सब बच्चे अपने पौधे की बात करते थे, समय आने पर राजा के पास जाने की भी चर्चा करते थे। लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की। एक वर्ष पूरा होने पर सभी किशोर अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर महल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। लियांग अपने गमले को देखकर क्यों उदास था? क्योंकि उसमें उसके जो बीज था उसका अंकुर न फूटने से पेड़ नहीं उगा था। लेकिन उसकी माँ ने उसको यही कहा कि नहीं बेटा, आप तो जैसा भी है आप इसको लेकर जाओ। लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आया और सबके पौधे देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं, आज तुम लोगों में से एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। अचानक राजा ने लियांग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए देखा। वह डरा और सहमा हुआ था। राजा ने उसे पास बुलाया। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी राजा ने उसको शांत करने का आदेश दिया और घोषणा की कि लियांग ही इस राज्य का राजा बनेगा। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका पेड़ ही नहीं होगा उसको उन्होंने राजा बना दिया, और जिनके सबके पेड़ हो गए थे उनको राजा नहीं बनाया। अब इसमें क्या था? फिर राजा, मतलब सभी बच्चे सन्न रह गए। उन जब राजा ने इतनी बड़ी घोषणा करी तो सब बच्चे संग रह गए। उन्होंने सोचा, उनके कानों पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, एक वर्ष पहले मैंने जो तुमको सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था, उबले बीज से अंकुर नहीं निकलते। देखो राजा ने कितनी चतुराई दिखाई कि उसने उबला हुआ बीज दिया। ये चीज़ बेटा हमेशा याद रखो कि उबला हुआ बीज कभी भी नहीं उगता है। राजा ने उन सबको एक एक बीज दिया था, उबले बीज अंकुर नहीं निकलता। लियांग को छोड़कर तुम सबने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया। उन सबने धोखाधड़ी करी, उन लोगों ने वो बीज फेंक कर दूसरा बीज उगा दिया जिससे उसमें पेड़ उग गया।
लेकिन लियांग ने अपनी साहस और सच्चाई, मतलब उसने झूठ नहीं कहा, उसने बिल्कुल जैसा उनसे उससे बोला गया उसने वैसा ही किया, और मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अतः वही इस राज्य का राजा बनने के योग्य, क्योंकि उसने सबसे पहली बार झूठ नहीं बोला, सच्चाई रखी, और उसने जो था वही किया। ऐसा नहीं है कि ना उसने झूठे बहाने से पेड़ उगाने के लिए ऐसा कुछ किया। तो बेटा इस चैप्टर में यही दिया गया है कि अगर हमें किसी चीज़ की बोला गया है तो हमें वैसे ही करना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने मन से उसमें गलत काम करके फिर हम दूसरों के सामने अच्छा बन जाएं। इसलिए हमें अपने आप खुद पर हमेशा ये होना विश्वास होना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और खुद से ही सारे काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आया होगा। आपको अपनी हिंदी की बुक ओपन करके दो बार चैप्टर को रीड करना है और समझना भी है। जब आप रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं, मतलब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि शब्दार्थ, दिख रहे हैं आपको शब्दार्थ, आपको अपनी कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद हैं हमारे ये कठिन शब्द होते हैं, वो हैं राज्य, मिट्टी, सप्ताह, अंकुर, सच्चाई। इनको बुक में दो दो बार आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रश्नोत्तर भेजूंगी और आप उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर निशान लगाओ। राजा द्वारा दिए जाने वाला विशेष बीज कौन सा, कैसा था, सामान्य था, उबला हुआ था या बना हुआ था। कैसा था बेटा, उबला हुआ था ना। खाली गमला देखकर राजमहल जाने के लिए लियांग को किसने कहा, उसकी माँ ने कहा। लियांग ने मैं मौजूद गुण थे, चतुराई, बुद्धिमान, साहस, सच्चाई या बेईमानी चुने। उसके अंदर साहस था और सच्चाई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा तो उसने साहस दिखाकर वो चीज़ की, और सच्चाई उसने जो राजा ने कहा था उसने वैसा का वैसा ही किया। अब हमारा है पाठ्यांश, मतलब निम्नलिखित गद्यांश है। ऐसे हमारे एग्जाम में भी बेटा आते हैं, आपको पता होगा पठित गद्यांश आते हैं, बहुत बड़े लिखा हुआ रहता है, उसमें से हमें अपने क्वेश्चनों के आंसर्स ढूंढने होते हैं, होता है ना बेटा। सो ऐसे ही है, इसमें क्या है, हमने इसको पढ़ा, फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे रीड करके हम इसके क्वेश्चन। राजा ने किशोर को बीज देकर उनसे कब आने को कहा, एक साल बाद आने को कहा था ना। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसका पौधा अच्छा होगा उसे वह राजा क्या बना देगा, मैं राजा चुन लूँगा उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, राजा ने अपने राज्य के लिए किसको बुलाया, किशोरों या किशोर या किशोरियों को, किशोरों को बुलाया, मतलब लड़कों को बुलाया। अब इन शब्दों के विलोम शब्द, रात का दिन, भला का बुरा। अब जो सेकंड वाला है ये आपको खुद से करना है, और आपको नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको पिक भेजूंगी, लेकिन आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है समानार्थक शब्द, ये है हमारे शब्द, ये है हमारे विलोम शब्द, ये है हमारे लिंग, उसके बाद है हमारे विशेषण, ओके। सो पहला है राजा का रंक, सुखी का दुखी, नया का पुराना, दिन का रात, सच्चा का झूठा। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदल कर लिखो, राजा का रानी, बूढ़ा का बुढ़िया, माँ का पिता, बच्चा का बच्चे। अब उसके बाद है हमारा लास्ट विशेषण, विशेषण है ऊंचा का, ऊंचा पेड़, मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था विशेषण क्या होते हैं, ऊंचा पेड़, बूढ़ा राजा, छोटा पौधा, सच्चा बालक, ओके। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। निम्न फलों में से बीज, इसमें से किस किस पौधे में, मतलब इसमें आया है किस फल में बीज उगते हैं, बीज निकलते हैं, आम में निकलता है, केले में नहीं निकलता, नाशपाती में भी होता है और तरबूज में भी होता है। अब ये देखो पेड़ उगाने की प्रक्रिया बताई गई है, इसमें चित्रों को देखिए, इनके पाँच पंक्तियाँ लिखना है। तो ये देखिए मैंने लिखी है, आप लोग इसको अपनी, जब मैं आपको एक्सरसाइज की पिक भेजूंगी तो आप उसमें से अपनी एक्सरसाइज को फिल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें सुरक्षित रहें।